हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी मॉर्निंग का जो टाइम है 11:25 होने को है। एंड अभी आज हम गए हुए थे जंगल की ओर, एंड जंगल से क्या लाए हैं आप सभी को दिखाते हैं। चलिए सो देख सकते हैं ये क्या है, कमेंट करके बताइए। तो चलिए छोड़िए, आपका कमेंट करते करते लेट हो जाएगा, उससे पहले मैं बता देती हूँ। तो ये है बम्बू करी, बम्बू जिसका हम बनाएंगे करी। तो मम्मी कट कर रहे हैं क्योंकि मुझे तो आता नहीं है, और ज़्यादा नहीं मिला, थोड़ा सा ही मिला, इसीलिए क्या करें, इसी से काम चलाएंगे। एंड देख सकते हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में आप सभी को देखने को मिलेगा ये बम्बू करी कैसे प्रिपेयर करते हैं, और इसका एक एक प्रोसेस आपको दिखाऊंगी वन बाय वन। तो वीडियो में बने रहिए एंड तक, और वीडियो में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। और चलिए फिर ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, काम करते हैं। तो मुझे मम्मी ने बोला कि इसको जो ऊपर का जो हिस्सा है उसको निकालने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड है और मम्मी से इतना नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं निकाल देती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। चलिए फिर बने रहिए वीडियो में। सो देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी ने ऑलरेडी कट कर लिया आधा, आधा मैं निकाल रही हूँ और इसको ऊपर का हिस्सा को निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर कट करेंगे। दे छुरी और गोटे छुरी अंदर का दिया दिसन लो काका बे लुठी ले उसे तिरछा पटा करा थी से खा तिरछा से करा थी तो कैंडल लेके निकला है, देखो कैंडल लाइन ले रहा कैंडल लाइन ले कितना नीचे है। सो गाइस देख सकते हैं इतना ही हुआ आज का हमारा बम्बू, थोड़ा सा ही लाए थे इसी कारण में। और देख सकते कितना ज्यादा उसका ऊपर में निकला हुआ है मैला, या तो बोल सकते उसका कवर। ये लास्ट हिस्सा जो है मम्मी कट कर रहे हैं, उसके बाद अभी खाना खाने। सो गाइस, पहले आपको इसी तरीके से एक पतीले में भर लेना है, आपका जो बम्बू है उसको इसके पतीले में भर लेना है, और आप चाहो तो धो सकते हो, नहीं तो जब हम इसको बनाने के लिए, करी बनाने के लिए जब इसको यूज़ करेंगे तब इसको बिफोर करी बनाने के पहले इसको हम धो के डाल सकते हैं। तो मैं अभी नहीं धोऊँगी इसको, और उसको अभी मैं पानी पूरा ज़्यादा से बहुत ज़्यादा दे दूँगी, आपको दिखाऊँगी कितना पानी देना चाहिए। तो उस हिसाब से जितना करी होगा उस हिसाब से पानी भी देना चाहिए। तो हमारा करी थोड़ा थोड़ा है, तो इसलिए हम थोड़ा सा पानी देंगे, ज़्यादा भी नहीं देंगे, मीडियम लेवल का पानी देंगे। तो गाइस अभी तो फिलहाल पानी दे देते, उसके बाद फिर इसको बिठा देंगे बॉयल होने के लिए, क्योंकि इसका कड़वा पानी जो है निकल ना जाए, तब तक आपको इसको बॉयल करने के लिए चढ़ा देना है गैस पे। तो गाइस इसमें पानी ले लेते हैं, चलिए आप सभी को दिखाते हैं कितना पानी मैं ले रही हूँ। और एक दिन आप सभी को मैं हमारा जंगल भी आप सभी को घुमाने लेके जाऊंगी, दिखाऊंगी हमारा जंगल में कैसा, बहुत ज़्यादा ज़्यादा भी पेड़ पौधे नहीं है, थोड़ा सा ही है, तो फिर भी मैं आप सभी को दिखाऊंगी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा बम्बू है, पे ले लिया है, पानी भर लिया है, और इसका कड़वा पानी जो है निकलने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी दिया है। और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी देना आप अगर बनाओगे तो घर पे। तो चलिए फिर इसको बिठाते हैं पैन में। तो मैंने चढ़ा दिया है पैन में, एंड अभी इसको मैं ढक देती हूँ ताकि ये अच्छी तरीके से बॉयल हो जाए।
तो गाइस इसको बॉयल होने देते हैं एंड आपको दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक। इसी तरीके से आपको भी बनाना है घर में अगर बना रहे हो तो चलिए फिर मिलते हैं। इसको बॉयल होने देते हैं, 2 आवर्स तो लग ही जाएंगे, 2 आवर्स या 3 आवर्स लग ही जाएंगे। तब तक मैं अपना पर्सनल वर्क जो है कर लेती हूँ। 2 hours later. सो गाइस ये हो चुका है पूरी तरीके से रेडी। जब तक ये आसानी से ना टूट जाए तब तक आपको इसको पकाना है पैन पे गैस पे। तो गाइस मैंने इसको बना लिया है एंड आफ्टर दैट मैं बनाऊंगी इसका करी। तो करी बनने में लेट होगा तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं गाइस। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा एंड वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।